नवंबर की शुरुआत में जब लोग नए साल के आने की तैयारी कर रहे थे, चाइना के वुहान शहर में एक अजीब निमोनिया से ग्रस्त मरीजों की तादाद अस्पतालों में अचानक बढ़ने लगी। लगभग 12 दिनों के बाद चाइना को पता लगा कि यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो मानव के इतिहास में पहली बार देखा गया है। दिसंबर 2019 के दिन जब दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सूचना दी कि वुहान के लगभग 1,10,00,000 की आबादी में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई थी। इसके दूसरे ही दिन चाइना ने वुहान सिटी को लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी। मानव इतिहास में यह और एक महामारी के साथ महायुद्ध की शुरुआत थी और चाइना इस महामारी से लड़ने के लिए अपना बिगुल बजा चुका था। 2020 के नए साल के तीसरे दिन चाइना ने 40 केसेस दर्ज किए जो इस नए वायरस का शिकार थे। उन्हें यह मालूम था कि ऐसे अब तक हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और वायरस के संक्रामित लोगों की जांच करना तब तक मुमकिन नहीं जब तक इससे उत्पन्न हुए लक्षण किसी में दिखाई ना दें। 7 जनवरी 2020 WHO ने इस नए वायरस की पहचान कर ली। यह कोरोना वायरस के परिवार से एक नया विकसित वायरस था जिसको COVID-19 नाम दिया गया। जनवरी 2020 चाइना में अब तक एक शख्स की मौत हो चुकी थी और लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों में COVID-19 पॉजिटिव पाए गए थे। महामारी की अब बस शुरुआत हो चुकी थी। इस संकट की घड़ी में चाइना को खुद ही अपनी मदद करनी होगी। 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में COVID-19 पॉजिटिव का एक केस पाया गया। इसका मतलब साफ था कि यह महामारी अब फैलना शुरू हो चुकी थी और अब दुनिया भर को इसकी चपेट में लेने ही वाली थी। अगले कुछ दिनों में यानी 24 जनवरी 2020 तक जापान, अमेरिका और कुछ जगहों में भी COVID-19 पॉजिटिव केसेस पाए गए। 30 जनवरी 2020 तक चाइना में लगभग 106 लोग मारे जा चुके थे और करीबन 7,711 लोगों में COVID-19 पॉजिटिव पाए गए। WHO ने इस महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। 31 जनवरी 2020 को अमेरिका ने उन सब लोगों पर रोक लगा दी जिन्होंने पिछले 15 दिनों में चाइना ट्रैवल किया हो। इस दौरान चाइना में 11,711 लोगों में COVID-19 पॉजिटिव पाए गए। फरवरी 2020 को फिलीपींस में एक 45 साल के आदमी की मौत। वुहान के एक 34 साल के आदमी ली वेनलियंग, जो पेशे से डॉक्टर था, 30 दिसंबर को ही उसने अपने दोस्तों से चैटिंग के जरिए बताया कि वुहान के हुनान सीफूड मार्केट में 7 ऐसे केसेस पाए गए जो सार्स जैसे वायरस से संक्रामित हैं। उसने बताया कि यह कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, लेकिन फिक्र करने की बात यह है कि लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि उसे अनुमान लग रहा था कि यह वायरस नए तरीके से विकसित किया गया है। इस खबर से वुहान में हंगामा मच गया था। वुहान पुलिस ने डॉक्टर को चेतावनी भी दी थी
कि दोबारा ऐसी अफवाहें फैलाने से बचें। डॉक्टर ली को इस तरह की खबर को लीक करने के लिए कई बार हाजिरी भी देनी पड़ी। 7 फरवरी 2020 के दिन एक खबर आई जिसमें कहा गया, डॉक्टर ली वेनलियम, जिन्होंने इस वायरस महामारी के बारे में दुनिया को सूचित किया था, उनका कोविड-19 से संक्रमित के कारण मौत हो चुकी है। यह खबर अच्छी नहीं थी। दुनिया भर ने शक की नजर से चाइना की तरफ देखा। चाइना कुछ छुपा रहा है और यह बात किसी को भी परेशान करने के लिए काफी थी।所以他们要去哪里？